हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं जयमुदीरय नष्टप्रायेषु भद्रीषु नित्यं भागवतशैवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदो कुमार गोविंदाय नमः हरे कृष्णा तो आप सभी का कर स्वागत करते हैं आज इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम क्लास में हम श्रीमद्भागवतम स्कंद एक चैप्टर नंबर ग्यारह उससे अभी अध्ययन कर रहे हैं और अब हम भगवान श्री कृष्ण द्वार का पहुंच चुके हैं अपनी माँ देव की और सभी इत्यादि जो पुरुष हैं उनसे मिल चुके हैं और अब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के मिलाप का या उनके मिलने का वर्णन किया गया है श्लोक संख्या तीस के आगे सो टेक्स्ट नंबर थर्टी ऑफ चैप्टर नंबर इलेवन कैंटू वन अथा विशस्व भवनम सर्व कामुतम प्रसाद पत्नी सहस्राणी चोदश तो भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलने के बाद देवकी और इत्यादि वसुदेव की जो पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण की स्टेप मदर्स उनसे मिलने के बाद वो अब प्रसादह, प्रसाद बिचमीस पैलेस ही एंटर द पैलेस टू मीट हिज वाइफ्स टेक्स्ट नंबर थर्टी वन तो जब उनकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया या रिस्पांस दिया टेक्स्ट नंबर 31। वन पत्निया पतिम प्रोश ग्रहानुपागतम विलोक संजात मनोमहत्सवा उसनाशया शाक्रते तो जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा दे केम एक्सट्रीमली हैप्पी अभी हमने इस आ, चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि कैसे जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आते हैं तो सुत गोस्वामी कहते हैं जब सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लिए तो देर हार्ट मेल्टेड बिकॉज सींग द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द लॉर्ड और उनकी खूबसूरती का वर्णन किया हुआ था तो एक साधारण व्यक्ति पुरुष स्त्री जानवर हो पक्षी हो जो भगवान को देखे इस प्रकार आकर्षित हो जाता हो तो जहाँ कॉन्जुकल रसा है माधुर्य रसा है तो वहाँ सोचिए इस समय इन स्त्रियों की क्या दशा हुई होगी उसका ही वर्णन किया गया है दे सॉ सौ दे हर्ड दे सॉ लॉर्ड श्री कृष्णा भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ आ रहे हैं देवी किम यू नो एक्साइटेड एजिटेटेड उत्तेजित क्या करना है दे इमीडियटली गॉट ऑफ फ्रॉम द सीट यहाँ पे सूत्र को बताते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने समय से नहीं थे तो सारी की सारी पत्नियाँ भगवान श्री कृष्ण की भगवान के ध्यान में बैठी हुई थी और जैसे ही भगवान वो आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग लाइन जो तात्पर्य में बताई गई है एज वॉज सोशली कस्टमरी मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ इकतीसवें श्लोक का दे कवर्ड दे एंड लुकड अबाउट कोयली अदरवर्ड्स इन अदर अदर वर्ड्स वो शर्मा जाती हैं उस प्रकार वो अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं और फिर आगे वर्णन आता है कि फिर उन्होंने क्या किया न शाइनेस इज दी ऑफ अ वुमन वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो उसके ऊपर वर्णन नहीं करेंगे नाउ टेक्स्ट नंबर थर्टी टू जिसमें बताया जाता है कि आत्म जय दृष्टि दुरंत भावा परिरेपतिम निरूढ़ती नाम भृगवर्यवात् सब मनी मन इच्छुक थे कि भगवान को आलिंगन कर सकें जैसे माधुरी रस के बारे में वर्णन है बट क्योंकि अभी पब्लिकली इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता तो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सभी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की दे एम्बरेस्ट द लॉर्ड तमात्मा जेर दृष्टि अंतरात्मा सबसे पहले अंतरात्मा अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आलिंगन करा और तम आत्मजेरा आत्म जेर का मतलब होता है पुत्र क्योंकि वो माँ की कोख माँ के शरीर से उत्पन्न उसका शरीर है पुत्र तो क्योंकि स्त्रियाँ अपने पति या जो पत्नियाँ अपने पति को आलिंगन नहीं कर सकती थी क्योंकि सब लोग हैं वहाँ पर तो इसलिए जितनी भी पत्नियाँ थीं उन्होंने अपने पुत्र को भेजा सो द लॉर्ड एम्ब्रेस द सन्स अपने पुत्र को एम्ब्रेस किया तो बताया जाता है उस प्रकार से द वाइव्स ऑफ द लॉर्ड एक्सपीरियंस द जॉय कि इस प्रकार से उन्होंने हमारे बच्चों को एम्ब्रेस किया है तो यहां पे इस चीज का वर्णन आता है और फिर टेक्स्ट नंबर थर्टी थ्री और फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी के ऊपर लेकर चर्चा करेंगे टेक्स्ट नंबर थर्टी थ्री यद यद्यपि यशुपाश्वग तथा तस्यांग्री रीयुगम नवम नवम पदे पदे का विनमेत तत्पदा लक्ष्मी की बात की गई है जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के समीप रहती हैं उनके चरणों के पास हमेशा रहती हैं फिर भी आखिरी लाइन में लिखा हुआ चलापी चलापी मतलब लक्ष्मी जो चंचल है जिसको इस दुनिया के सभी लोग पाने के लिए इच्छुक रहते हैं फिर भी उनको पा नहीं पाते अगर कोई पा भी पाता है तो कुछ समय बाद लक्ष्मी देवी उनके हाथ से फिसल जाती हैं। धन का काम ही वो है हमेशा रहता नहीं है फिर भी वो चंचल लक्ष्मी सदैव भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के चरणों पर विराजमान है बैठी रहती हैं। क्यों नवम नवम नए नए प्रकार के उनको रस आनंद का प्राप्ति होता है इन अदर वर्ड्स जो ये रसा है भगवान श्री कृष्ण भगवान और अपने भगवान के भक्तों के बीच में ये कोई डल रिलेशनशिप नहीं है जैसे आपकी किसी दो लड़के या किसी लड़की से दोस्ती होती है तो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में बड़ा ही रोमांच होता है क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है वाइफ रिलेशनशिप आज के अनुसार मैं बात करूंगा मुझे पहले का तो पता नहीं कैसे होता था आज हसबेंड सॉरी पेरेंट्स लड़के लड़की के आते हैं वैसे आजकल आते नहीं है आजकल तो लव मैरिज होती है फिर शादी होने के बाद तो कॉल पहुंच जाती है कि हमारी शादी हो गई है बट बड़े तो अरेंज मैरिज की बात करें तो यू नो ब्राइड ग्रुप के पेरेंट्स साथ में आते हैं बात करते हैं लड़के लड़कियों के बीच में बात शुरू होती है और फिर दिन रात घंटे घंटे तक लड़के और लड़की के बीच में बात होती है हाँ या ना तुम कैसे सिर हिला रहे हो हाँ तुम तो बैचलर हो भाई हाँ ये बोलो पता है <laughs> तो आस पड़ोस की खबर है यार दोस्तों की हमने भी देखा है हमारे और जो सेंटर में कुछ वक्त की शादी होने वाली थी सो दे टॉक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग में कितना आनंद आता है मुझे एहसास नहीं है मैंने सुना है ओके okay? मेरी तरफ डाउट करके मैं देख रहा स्टार्टिंग में बड़ा आनंद आता है लड़का और लड़की दोनों ही इंतजार करते हैं कब फोन आएगा उनका और जैसे ही फोन आता है सो रहा हो जाग रहा हो खा रहा हो खा रही हो जो भी स्थिति है व्यक्ति उत्सुकता से उठकर भागता है कहा बालकनी में प्राइवेट में बात करने के लिए हाँ या ना स्टार्टिंग में बड़ा एक्साइटमेंट होता है बड़ा ही आनंद होता है रोमांच होता है नई नई बातें हैं नई नई खबरें हैं नई नई जान पहचान है फिर शादी हो जाती है फिर एक दिन शादी के बाद ऐसी परिस्थिति आती है अजी सुनते हो आवाज लगाई जाती है और पति देव हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं नहीं सुनाई दे रहा है <laughs> सो <आगे शरुण। laughs> so,

लक्ष्मी नारायण नारायण का कभी साथ छोड़कर नहीं जाती तो सोचिए ये जो भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियां हैं वो कितनी विचलित रही होंगी भगवान के विरह में तो ये एनालॉजी देकर कंपैरिजन किया जा रहा है कि लक्ष्मी अगर भगवान का साथ नहीं छोड़ सकती तो ये बेचारी पत्नियां सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियां जो है भगवान की वो कितनी विचलित स्थिति में रही होंगी इसके बारे में वर्णन आता है हाँ, एक सेकेंड यस सो लेट मी मेक दिस पॉइंट हियर ओके विल कंटिन्यू रीडिंग अहेड अहेड मेक द पॉइंट इन अ शॉर्ट टेक्स्ट नंबर थर्टी फोर का वर्णन आता है फिर तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियों के बीच में किस प्रकार से जो इनिशियल रेसिप्रोकेशन हुआ उसका वर्णन करके चौतीसवें श्लोक में आता है वर्णन जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा के अनुसार था मतलब भगवान इतने समय के लिए क्यों भार रहे उसका वर्णन है क्यों क्योंकि भगवान को दुष्ट आत्माओं का या दुष्ट लोगों का वध करना था टेक्स्ट नंबर थर्टी फोर एवं नृपा नाम क्षितिभार जन्म नाम अक्ष

अंत में भगवान की ही इच्छा प्रबल रहती है फॉर एन एग्जाम्पल क्या जो अभी कोविड सिचुएशन है ये भगवान की इच्छा है हा भी ना भी मतलब क्या है ये जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वो व्यक्ति के अपने कर्म के फल के अनुसार होता है जब भी समाज में पाप बढ़ जाता है अधर्म बढ़ जाता है तो ये कर्म लॉज ऑफ कर्म जो है भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम जो है उसके अनुसार व्यक्तियों को सजा मिलती है आज इस समय लाखों लाखों की संख्या में हर दिन गायों का कत्ल होता है काव शी इज नॉट अ काव शी इज मदर काव हर जीव की सात माए होती हैं राजा की पत्नी ब्राह्मण की पत्नी गुरु की पत्नी नर्स जिसने उसकी जन्म में मदद की है उसकी खुद की माँ भूमि और गाय और कोई व्यक्ति अपनी माँ का कत्ल करे या माँ का वध करे बहुत ही निंदनीय और दंडनीय कर्म ही है तो आज समाज में इस प्रकार से काउ स्लॉटर और उसके साथ ही साथ स्त्रियों के संग जिस प्रकार का आ, एक्सप्लाइटेशन हो रहा है स्त्री चाणक्य पंडित मदर स्त्रियों के संग जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन केवल स्त्री नहीं ब्राह्मण हो गए बच्चे हो गए स्त्री हो गए गाय हो गई वृद्ध हो गए ये पांच लोग का संरक्षण करना चाहिए समाज में उन सभी पांचों के संग आज इस प्रकार से आ, उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा तो यस हमारे कर्मों का फल है और दंड मिलना क्योंकि अंतिम ये जो भी समाज में जो भी आ, नेचर के द्वारा प्रतिक्रिया या जो रिएक्शन मिल रही हैं, यस उसमें भगवान का आ, आ, है ही तो दैट्स अ पॉइंट उसी प्रकार यहाँ प्रभुपात आप तो बताते हैं जो भी कुछ होता है भगवान के सेंक्शन से होता है जो भी कुछ मतलब आपके कर्म भगवान के सेंक्शन से नहीं है यस आपने जो कृत करा उसमें भी भगवान का सेंक्शन है बट भगवान कह देते हैं साफ साफ मैं आपके जीवन में, में मेरा कुछ लेना देना नहीं है बट क्योंकि आप कुछ भी करेंगे उसके लिए ये जो प्रकृति है मुझे उसको निर्देश देना पड़ेगा आपके लिए प्रयोजन करने के लिए ताकि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सके इसलिए भगवान श्री कृष्ण को इस ये जो ये जो संबंध है उसमें आना पड़ता है थ्री डुअर्स पांचवा अध्याय भगवदगीता में बात होती है जीव केवल इच्छा कर सकता है और जब उसके कर्मों के अकाउंट के कारण जब उसकी इच्छा सेंक्शन होती है तो भगवान उसको सेंक्शन का स्टैंप मारकर उसकी एप्लीकेशन प्रकृति देवी के पास भेज देते हैं फिर प्रकृति उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसका आयोजन करती है सो यस इन एवरीथिंग देयर इज अ लॉर्ड्स विल बट इट्स नॉट करेक्ट टू कॉल इट लॉर्ड्स विल अल्टीमेटली भगवान को फोर्स किया गया है हमारी इच्छाओं के कारण और भगवान ने ये भौतिक दुनिया बनाई इसलिए ताकि व्यक्ति जो भगवान से विमुक्त हो चुका है भगवान को छोड़कर आ चुका है भगवान से द्वेष कर बैठा है वो यहाँ पर आके अपनी इच्छाओं को भोग सके अगर ये दुनिया बना ही इच्छाओं को भोगने के लिए है तो वो तो होगा ही बट उसको पूर्ण करने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं जहाँ पे लॉज ऑफ कर्मा इस प्रकार से भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन होने के कारण व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है तो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ कुछ समय पहले एक ने पूछा क्या दुर्योधन ने जो करा वो भगवान की इच्छा थी तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रहा होगा भगवान की इच्छा का मतलब क्या है जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको गलत कर्म की गलत सजा मिलती है ये भगवान के नियम है नियम के अनुसार सब कुछ होता है उसी प्रकार तात्पर्य में बताया गया यस इट वॉज लॉर्ड डिजायर वाट वॉज लॉर्ड डिजायर भगवान के आने का पर्पज क्या है परिथनाय साधुना विनाशाय चुष्कृताम धर्म संस्थापनाताय संभवामी जुगे जुगे बीस धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ेगा और जो अधर्मी है उनका भी सर्वनाश होगा उस प्रकार से भगवान की इच्छाओं के बारे में बताया गया है फिर दूसरी बात पापड़ में लिखते हैं बहुत खूबसूरत और तो बहुत महत्वपूर्ण है कृपा करके आप लोग इसको एज अ होमवर्क लिखिए और जरूर पढ़िएगा दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया होता है यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं जो अत्यधिक भौतिकवादी हैं और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए ललायत रहते हैं वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं जिनका समापन शरीर के अंत होने के साथ हो जाता है वे निपट अधम मनुष्य होते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से श्री भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के पश्चात भी वे उन श्री भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व हैं वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी प्रकार अपने कर्मों का फल भोगते हैं जिस प्रकार का फल रावण हिरण कश्यपु कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा हरे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उस प्रकार जैसे मैंने आपको पहले ही सारांश में बताया था इस बारे में हरे कृष्ण तो आगे वर्णन आता है अब जस्ट trying टू कनेक्ट द माइक ओके am आई ऑडिबल ओके ओके टेक्स्ट नंबर थर्टी फाइव में आगे वर्णन आता है अभी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाते और वो सोचते हैं क्या सोचते हैं सायश नर लोकन अवतीन स्व माय रे मे स्त्री रत्न कुटस्थो भगवान प्राकृतो यथा तो बताया गया यहां पर सा यश सो तो लोग सोचते हैं अरे नरलोक पहले बात करते हैं साई अस्मिन भगवान श्री कृष्ण अवती भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं साई शनलोक अस्विन भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में नर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं अवतीर्ण अफ्त... सुमाया अपनी इंटरनल पोटेंसी के द्वारा रेमे स्त्री रत्न कुटस्थो रेमे मतलब एंजॉय करना स्त्री के संग मतलब अपनी पत्नियों के संग भगवान प्राकृतो जैसे कि एक साधारण व्यक्ति साधारण पुरुष अपनी पत्नी के संग अपने बच्चों के संग अपना जीवन व्यतीत करता है उसी प्रकार ऐसा व्यतीत होता है कि भगवान भी एक साधारण व्यक्ति के संग गृहस्थी जीवन का आनंद ले रहे हैं तो उस प्रकार का वर्णन किया गया है और यहाँ पे अब प्रश्न उठता है क्या भगवान एक साधारण व्यक्ति है जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण कृष्ण माने वो भी कामुक थे एक नहीं सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों के संग विवाह किया इसका मतलब क्या है तो उस चीज को समझाने के लिए सुत गोस्वामी आगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का वर्णन करेंगे जहां सुत गोस्वामी इस समय इस भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहे हैं वो नैम शरण्य जगह है और उस नैम शरण में अठासी हजार ऋषि मुनिवर बैठे हुए हैं पर वो सारे के सारे ऋषि मुनिवर भगवान के भक्त नहीं है उसमें कुछ इम्पर्सनलिस्ट हैं उसमें कुछ मायावादी या शून्यवादी अलग अलग प्रकार अलग अलग सोच के बैठे हुए लोग हैं पर साधारण जनता नहीं है सब योगी और तपस्वी हैं तो यहाँ पे सबको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सही में सुप्रीम पर्सनालिटी या परम पुरुष है तो यहां पर जब इस चीज का वर्णन हुआ कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी 16108 पत्नियों से मिलते हैं तो देखिए चौतीसवें श्लोक में सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा के अनुसार होता है बताने के लिए कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और फिर पैतीसवें श्लोक में इंडिकेट कर देते हैं हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये कृष्ण कौन सी बड़ी बात है हम बड़े हैं हम त्यागी हैं हम सन्यासी हैं हम योगी हैं वो तो एक गृहस्थ जीवन जिया तो यहाँ पे पैंतीसवें श्लोक में वो कहते हैं नहीं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है लगता ऐसे है कि साधारण जीवन व्यतीत कराओ इसलिए उद्धव जी तीसरे स्कंद में जब उद्धव और विदुर का संवाद होता है तो श्लोक संख्या थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर वर्ष नंबर सिक्सटीन थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर वर्ष नंबर सिक्सटीन वहां पे इसी प्रकार का वर्णन करते हैं और कहते हैं उद्धव जी कर्मानियनीयस्य भवो भवस्यते दुर्गाशयो थारी भयात् पलायनं कालात्मनो यत् प्रमादायुदाशमा स्वात्मेन रथे खित्य थी धीर विधामिह कर्मानियनस्य में जिसकी कोई इच्छा नहीं है सेल्फ सेटिस्फाइड हो फिर भी वो कर्म करते हैं भवो भवश्य ते अभवस्य यू नो इज इटर्नल ही इज अनबॉर्न फिर भी अवतरित होते हैं जन्म लेते हैं दुर्गाश्रय थारी भयात पलायनम भयात पलायनम भया भय से पलायनम इस भाग जाना कालात्मन फिर भी वो काल के पिता है या काल के मालिक है काल मींस डिस्ट्रॉयर जो काल के भी प्रभु हैं तो वो फिर भी भय से भाग जाते हैं तो कॉन्ट्रोडिक्ट्री है यत प्रमदा युताश्रमा यहाँ पे भगवान के कॉन्जुकल अफेयर जिस प्रकार उनकी सोलह हजार एक सौ पत्निया थी उसके बारे में वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है प्रमदायुश्रमा की एक साधारण व्यक्ति की तरह उसका कोई मंडेन लव अफेयर चल रहा हो जो कामुक व्यक्ति होता है फिर भी स्वात्मेन रत कहा गया फिर भी वो, वो फिर भी बताया जाता है कि ये स्वात्मेन उनको किसी की आवश्यकता नहीं है सेल्फ सेटिस्फाइड तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपकी लीलाओं को समझना तो बड़ा ही जटिल है बहुत कॉन्ट्रडिक्ट्री है तो उस उसी प्रकार यहाँ पे अब सुत गोस्वामी सभी को समझाने के लिए कि कैसे भगवान का जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं युवे तत्व त्यक्त पुनर्जन्मतिमा मई तीस जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद्दीता में कहते हैं मेरा जन्म मेरा कर्म सब दिव्य है उस दिव्यता की स्थापना अब सुत गोस्वामी छत्तीसवें श्लोक से थर्टी नाइन्थ तो श्लोक तक करेंगे ताकि जिनके मन में अगर ये डाउट या संदेह हो कि अरे ये कृष्ण में क्या बड़ी बात है हमारा जैसे ही तो है एक साधारण पुरुष ही तो है मनुष्य की योनि में क्यों उसकी हम पूजा आराधना करें कैसे कह सकते हैं वो भगवान है तो उसके लिए छत्तीसवें श्लोक में बताया गया है जहां बताया जाता है उदाम भावा पिश लवल गुहासा मदनो पियासा Some ya chapam, majhat paramadota masa. Excuse me. Yes, yendriyam vimititum kuhake nashe kaha. Although the queens' <coughs> beautiful smiles and their glances were very exciting, uh, Bhagawan Shikrishnaki, queens. पत्नियों महारानियों का वर्णन है इतनी खूबसूरत थी कि उनकी आंखों से यू नो ग्लासेस इट इज सेड द मैन गेट्स कैप्चर बाय द आईज ऑफ अ वूमन इसलिए पुरुषों को सावधानी बरतनी चाहिए स्त्री की आंखों की तरफ देखते हुए जनरली नहीं देखना चाहिए ये संसार के नियम है अब आप इसमें यह मत लाइएगा मेल फीमेल का नो you know? अब जो है सो है अब ये मत बोलिए प्रभु जी ऐसा क्या है अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए आपके पास ऐसी शक्ति है कि आपको देखते ही व्यक्ति यू नो विचलित हो जाए सो देर इज अ पावर इन द आईज ऑफ अन दैट इज एट द आई सिमिलरली पुरुष के पास भी कुछ शक्ति होती है जिसको देखकर स्त्रियां विचलित हो जाती है मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा <laughs> नहीं करूं तो अच्छा है <laughs> शास्त्रों में उसका उल्लेख है सो सो लेट्स ऑन दिस थिंग ओनली द ऑफ अ वुमन आर टू बी वेरी कैप्टिवेटिंग तो यहाँ बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो महारानी या जो पत्नियां हैं वो इतनी खूबसूरत है अगर वो क्यूपिड को देख ले काम देवता को देख ले तो काम देवता अपना धनुष और बाण को छोड़ के बल्ले बल्ले करके नाचने लगे ट कंप्लीटली कंज्यूम बाई लाइक दैट फिर भी और फिर आगे उदाहरण दिया जाता है यहां तक कि भगवान शिव भी अपने आप को आ, इस दुनिया में काम देवता के बाढ़ से रक्षा नहीं कर सकते बचा नहीं पाते फिर भी ये पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को एक पल को भी विचलित नहीं कर पाई तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के वैराग्य का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ दिव्यता का वर्णन किया गया कि कैसे अगर भगवान उनके संग आगे वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमदभागवत में दसवें स्कंद में भी वर्णन आता है जहां सुखदेव गोस्वामी अशोत्त गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वॉज ए पैक्ड हसबेंड सोलह हजार एक सौ आठ महल बनाए सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियों के लिए महल आ

अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग सो so हर एक पत्नी को ऐसा लगता था ये जो कृष्ण है मेरा है छोड़ के नहीं जाता कभी क्योंकि हर समय मेरे संग रहता है तो उस प्रकार से वर्णन आता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यवहार किया जैसे हैंडपैक्ड हस्बैंड हो और यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए बहुत ही खूबसूरत पर्पट है तात्पर्य है जहाँ पे मंडेन लस्ट क्या होता है उसके अनुसार जो रिलेशनशिप इस दुनिया में होती है वो क्या है उस सब का वर्णन किया गया है <coughs> तो मैं तात्पर्य के बीच में से पढ़ूंगा इट इज क्लियर हियर इन पहला पैराग्राफ उसके बीच में से इट इज क्लियर हियर इन दैट द फेमनाइन अट्रैक्टिव फीचर्स विच कैन काउंकर क्यूपिड और इवन द सुपर मोस्ट टॉलरेंट लॉर्ड शिवा कुड नॉट काउंकर द ऑफ कृष्णा क्यूपिड का काम क्या है मंडीन लस्ट कामुकता को जागृत करना एंड दिस होल यूनिवर्स इज मूविंग बीइंग एजिटेटेड बाय क्यूपिड एरो द एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग कैरिड ऑन बाय द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल आप लोग पूछ सकते हैं प्रभु जब ये पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है वो ही सारे बंधन का कारण है तो ये बनाया ही क्यों ये yes सुनो सोचिए आज अपोजिट सेक्स के विषय के के प्रति अट्रैक्शन ना होता तो भक्ति करना कितना आसान हो जाता किसके लिए भी हर एक के लिए भी, भी पुरुष या स्त्री दोनों के लिए भक्ति करना बड़ा आसान हो जाता क्योंकि जो ये दुनिया है उसमें सबसे बड़ा कारण जो व्यक्ति के अटकने का है दैट इज कामुकता लस्ट पर्टिकुलरली अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स तो यहां पे नहीं तीसरे इसका वर्णन आता है मैं आपको सारांश में आंसर देता हूँ वर्ष अगर आपके मन में प्रश्न उठे कि भगवान ने ऐसे करा ही क्यों तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा भौतिक दुनिया क्यों बनाई गई क्यों बनाई गई है भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक दुनिया बनाई ताकि जो जीव जो विमुख हो चुके हैं भगवान से वो यहाँ आके अपनी इंद्र तप्ति कर सके और इंद्र तप्ति करने के लिए वो आए हैं अनेक अनेक प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए चौरासी लाख योनियों डिजाइन किया गया चौरासी लाख यूनियो को बनाया गया उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और यहां दे वॉन्ट टू बी पुरुष दे वॉन्ट टू एंजॉय द प्रकृति मतलब एनर्जी उसी प्रकार किसी को फीमेल का रूप धारण करना पड़ेगा किसी को पुरुष का रूप धारण करना पड़ेगा इसलिए मेल फीमेल को बनाया गया दूसरी बात अब यहां इस, इस यूनिवर्स में इस भौतिक दुनिया में जीव को शरीर देने के लिए भी कोई क्रिया बनानी पड़ेगी क्योंकि जीव तो आत्मा है अब उसको जब तक ये भौतिक और सटल शरीर नहीं मिलेगा तो अपनी इंद्र तप्ति कैसे करेगा भौतिक शरीर की तो बहुत आवश्यकता है तो भौतिक शरीर कैसे दिया जाए अगर आप देखें तो जब ब्रह्मांड इस संसार का स्थापना हुई तो सबसे पहले जीव यहां पर आए ब्रह्मा किससे विष्णु के नेव से फिर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं चार कुमार फिर ग्यारह रुद्र उसके बाद आपके दस ऋषि मुनि फिर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हरे कृष्णा, कृष्ण ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अरे इस प्रकार से मैं क्रिएशन करूंगा तो बड़ा ही धीरे धीरे काम चलेगा मुझे इस प्रकार से क्रिएशन क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी को हर जीवात्मा को शरीर देने के लिए ब्रह्मा जी को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो क्रिएशन की प्रोसेस है अपने आप चलती रहे तो उस समय जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे थे तो पहला पुरुष और पहली स्त्री ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जिनका नाम था स्वयं भू व मनु एंड शत्रुपा एंड दैट इज द टाइम वेयर ब्रह्मा जी क्रिएटेड द सेक्सुअल अट्रैक्शन उसका वर्णन विस्तार से तीसरे स्कंद में आते हैं हम उसका वर्णन तब करेंगे विस्तार से कि कैसे पुरुष और स्त्री के अलग अलग शरीर अलग अलग अंगों में उस प्रकार का आकर्षण दिया हुआ है जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है जिस कारणवर्ष एक पुरुष और एक स्त्री साथ में आकर अगर आप देखें भौतिक नजरिए से इट्स अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस हरे कृष्ण ऑडियो इज ऑ देर ओके थैंक यू ऑडियो शुड बी देयर वॉज अगर इफ यू सी द मेल एंड फीमेल कमिंग टूगेदर एंड यूनाइटिंग टूगेदर इज अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस इज लाइक फैक्ट्री जॉब यू uh, नो you know, आप यहाँ से एक प्रोडक्ट डालते हैं मशीन में कुछ क्रिया होती है वहाँ से एक दूसरा प्रोडक्ट निकल आता है इट्स अ वेरी मैकेनिकल एंड एक्सटर्नल जॉब उसमें कुछ आ, ऐसा कुछ रसा या कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं है ऑफकोर्स क्योंकि उसके अंदर कुछ आकर्षण डाला हुआ है आकर्षक शक्ति डाली हुई है ब्रह्मा ने इस कारण उस व्यक्ति को लगता है कि बहुत आनंद की क्रिया है वो तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने ये संसार का निर्माण करा ताकि एक पुरुष और स्त्री केवल केवल मनुष्य लोग मनुष्य योनी में नहीं पुरुष और स्त्री मतलब मेल एंड फीमेल इन ऑल द यूनियस इन ऑल द लिविंग एंटिटीज इन ऑल द फॉर्म यू सी अ लायन अ लाइनस मेल डॉग एंड अ फीमेल डॉग हर जगह किसी को सिखाया नहीं जाता कि सेक्स क्या है अपने आप ही समय के प्रभाव में आप देखते होंगे आपने देखा होगा संसार में समय के प्रभाव में अपने आप ही साथ में आता है पुरुष और स्त्री यू नो इन एनी लिविंग फॉर्म

उस प्रकार तो इस प्रकार जो जीवात्माएं हैं उनको शरीर प्राप्त हो सके तो ब्रह्मा ने अपनी सेवा डेलीगेट कर दी ताकि मुझे हर जीवात्मा को शरीर न देना पड़े इसलिए तो इस इस क्रिएशन के सीईओ कौन है ब्रह्मा इस क्रिएशन के यू नो पूरे संसार के सीईओ ई तो भगवान है सीईओ है ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंदर है दो मैनेजिंग डायरेक्टर जो पूरा संसार चला रहे हैं एक पुरुष एक स्त्री जहाँ शत्रुप और सैंभु मनुष्य सारा काम हुआ पॉइंट हियर सो उस प्रकार से इस चीज का वर्णन किया गया है सो uh, so, इसलिए इस भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति जितना भगवान से विमुख है जितना भगवान से दूर है वो उतना काम भावना से पीड़ित रहता है और जितना व्यक्ति भगवान के पास जाता है उतना उसका ये जो मेटेरियल फीवर है काम वासना का जो पीड़ा है उतना ही वो उससे मुक्त होता है दैट इज़ अ पॉइंट विशिला पोपा डिस्क्राइब्स आई रिम्बर जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो जब मैंने सबसे पहली बार हिजोलिनस राधानाथ महाराज को देखा सबसे पहली बार हिजोलिनस वर्षाना स्वामी महाराज को देखा फिर मैं राधानाथ महाराज से मेरा मिलना हुआ कुछ एक महीने के बाद तरिमा पर जब मैं वर्षाना स्वामी महाराज को देखा आई वॉज सो शॉक्ड आई वॉज सो अमेज यहाँ पे अमेरिकन बॉडी मेरा इस कौन से कुछ जान पहचान नहीं है बस हाल ही में मैं इस कौन से जुड़ा हूँ प्रोग्राम मैं मंगलवार को पहले प्रोग्राम में गया और रविवार को गौर पूर्णिमा है और गौर पूर्णिमा के दिन आई मेट वसाना स्वामी महाराज लाइक दैट उससे पहले मैं भगवदगीता पढ़ रहा था अपने आप आई वॉज ट्राइंग टू रीट भगवदगीता तो मुझे याद है जब मैंने वसाना स्वामी महाराज को देखा आई वॉज सो अमेज और जब मैंने लोगों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने यंग एज में सब कुछ छोड़कर 1970 में अपनी यंग एज में सब कुछ छोड़कर उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन लिया और अब संन्यास लिया मतलब करीबन 40-50 साल उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन का पालन किया और उससे पहले भी ब्रह्मचारी जीवन का पालन किया हो सकता है बट जो यंग एज होती है जब सबसे अधिक ये भावनाएं है होती हैं तीव्र इच्छा है होती है उस समय सब कुछ त्याग कर आजीवन आज ब्रह्मचार्य का पालन किया दैट वॉज वन थिंग दैट मी अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की भगवदगीता की शिक्षाओं में कुछ ना कुछ तो मतलब की बात है अदरवाइज कॉलेज में हम सब पढ़े हैं कॉलेज स्कूल में आज क्या होता है हम सबको पता है हर एक लड़का लड़की बड़ा ही पीड़ित रहता है काम वासना से <laughs> साउथ इंडिया मंदिर में हमारे एक टेम्पल प्रेजिडेंट हैं तो वो मुझे अपनी 25 साल पहले वो इस्कॉन से कैसे जुड़े उसकी कहानी सुना रहे थे और वो बोलते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय चेन्नई में तो ये केवल आज के कॉलेज की सानी नहीं है पच्चीस साल पहले की भी बात है कि उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थी मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी एक साल निकला दो साल निकला तीन साल निकला चार साल निकला मैंने हर साल हर महीने हर हफ्ते बहुत प्रयत्न करा पढ़ने का नहीं गर्लफ्रेंड बनाने का हर क्वार्टर में विफल होता था हर साल में विफल होता था तो एक दिन आ, ये हरे कृष्णा वाले भक्त सड़क पर चेन्नई में संकीर्तन कर रहे थे और वहां पे उन्होंने मुझे कृष्णा बुक दी छोटी बुक आती ना दस रुपए वाली और वहाँ कृष्ण बुक मुझे जब दी तो मुझे बुक बुक से कुछ लेना देना नहीं था मुझे भगवान से कुछ लेना मैं पूरा नास्तिक था और मैं बहुत दुखी था उस समय कि सबकी गर्लफ्रेंड है मेरी ही गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है तो उस समय उन्होंने मुझे वो छोटी सी कृष्ण बुक दी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अष्ट सखियों के संग खड़े हैं तो मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ये कौन व्यक्ति है जिसकी आठ आठ गर्लफ्रेंड है यहाँ तो मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ही वॉज टोटली इग्नोरेंट आई बिलीव यूज फ्रॉम अ कम्युनिस्ट बैकग्राउंड क्रिश्चन बैकग्राउंड वॉट नोज background. बैग ये नो आइडिया उन्होंने बचपन में सुना था कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत सी कथा इधर उधर तो उस फोटो से वो इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सोचा मैं पढ़ता हूँ बुक में क्या है और कृष्ण बुक में भगवान शिला प्रभुपाद ने बहुत खूबसूरत तरीके से भगवान श्री कृष्ण का साराश में लीलाओं का वर्णन किया हुआ है यू नो वट वॉज इज रियलाइजेशन वट ई अंडरस्टैंड दैट बुक ये इसकॉन वाले मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है क्योंकि जिस भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड है क्योंकि उस बुक में लिखा था भगवान की सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियाँ हैं वो बेचारा इतना विचलित था कि मुझे एक नहीं मिल रही और यहाँ इनके भगवान की सोलह हजार एक सौ आठ है तो इनके पास जरूर राज होगा कि कैसे लड़की को पटाना है तो उस इच्छा से वो मंदिर आते हैं मंदिर में भक्त लोग उनको पकड़ते हैं पकड़ के खूब धोते हैं कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी से एक हफ्ते में उनको शेव ऑफ कर देते हैं और दो हफ्ते के बाद वो ब्रह्मचारी आश्रम में होता है पर <laughs> क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे नहीं थे तो ही वॉज देयर इन ब्रह्मचारी आश्रम फॉर मे बी वन और टू ईयर्स आफ्टर दैट ही केम आउट ही गॉट मैरिड एंड आई एल टेल यू हैव मेट दिस पर्सन टुडे मॉर्निंग ऑनली ही सेंड मी अ मैसेज तभी मुझे उनका एग्जाम्पल याद आया ही इज अ वेरी पक्का डिवोटी और उन्होंने शादी करी शादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से गृहस्थ जीवन का पालन करा एंड उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने देन ही डिड नॉट टुक अ जॉब उन्होंने अपने जीवन का संरक्षण शिलाप्रभुपात की किताबों को वितरण करके निभाया मतलब अपनी गृहस्थ जीवन भी उन्होंने शिलाप्रभुपात की किताबों को वितरण करके एंड ही डज नॉट इवन हैव अ चाइल्ड शादी करने के बाद भी ही फॉलोड अ ब्रह्मचारी वेल दैट्स हिज केस गृहस्थ शुड हैव अ चाइल्ड बट आई एम जस्ट सेइंग इन हिज केस ही फॉलोड सो स्ट्रिक्टली एंड ही स्टेड अ ब्रह्मचारी ऑल थ्रू इन मैरिड लाइफ आल्सो एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फुली फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जो प्रभुपात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक जीवन से जितना भगवान से दूर होता है उतना ही कामुक भावना से पीड़ित रहता है आई जस्ट शेड माई एग्जाम्पल मैन सौ वर्साना स्वामी महाराज सौ राधा नाथ महाराज जब मैंने उनके बारे में सुना कि कैसे इतनी कम उम्र से उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन लिया फिर संन्यास लिया जीवन उस चीज का पालन किया तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मिस्टिकल है वरना पॉसिबल कैसे है और एक यंग लड़के और लड़की के लिए सबसे ज्यादा जो लस्ट होता है सबसे ज्यादा उसको पीड़ा देता है एंड दैट इज हाउ आई बिकेम वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी अट्रैक्टेड टू टू नो मोर अबाउट दैट एंड दैट इज वॉट इज भक्ति में जुड़ने के बाद व्यक्ति का मेट्रियल फीवर खत्म हो जाता है तो so उस चीज का वर्णन किया गया है टेक्स्ट नंबर हम 36 की बात कर रहे थे ना ये 35 36 थर्टी की बात कर रहे थे लेट्स गो अहेड टेक्स्ट नंबर थर्टी सेवन तम मनते लोको हि असंगम संगीनम आत्मोपमोजा नाम यथो ब तो यहाँ पे बताया गया है क्या बताया गया है तमय मनते लोक कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो मेरे को अपना जैसा समझते हैं ही असंगम अपी संगीनाम आत्मपमे न ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही श्लोक है जो सूत्रों गोस्वामी यहाँ यहां बोल रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवदीता के नौवे अध्याय के ग्यारवा संख्या श्लोक में बोलते हैं किसी को याद है बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवदीता का नौवा अध्याय ग्यार श्लोक ओके रिपीट आफ्टर मी अव अवजानंत माड़ा परम भाव ममा तो। भूता महेश्वर अवजान तो मामोड़ा जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरे बारे में नहीं जानते मामूडा वो उल्लू के डैश डैश यू नो नॉर्थ में एक खूबसूरत मुहावरा है तो ये उस प्रकार से कहा गया है बोला आई डोंट नो व्हाट पठा मीस बट एवर इट इज हाँ और ये बेटा होता है <laughs> ओके सो सो आई डिडंट वांटेड यू टू स्पेकुलेट व्हाट इज डैश डैश आई मेड अ स्ट्रेट राइट सो मूड हाउस आपसे कहा गया मूर्ख कहीं के अवजानंत माँ मूड़ा मुझे अपना जैसा समझते हो परम भाव माजंतो क्योंकि मेरी स्थिति को ना जानते हुए महाईश्वरम मैं परमेश्वर भगवान हूं इसलिए ये जो मूर्ख लोग होते हैं कभी मुझे समझ नहीं पाते और वो अपनी अज्ञानता के कारण सोचते हैं कि मैं उनके जैसा ही तीन कर तीन आ, गुणों के बंधन में बंधा हुआ हूँ टेक्स्ट नंबर थर्टी एट में इसलिए सूत गोस्वामी यह इस समय अठासी हजार संतों को संबोधित कर रहे हैं ताकि उनके मन में कोई संदेह न रहे और अब यहाँ पे अड़तीसवें श्लोक में भगवान की दिव्यता की स्थापना करते हैं ए तद ईशन प्रकृति स्थोपी तद गुण ना युज्य सदात्मा स्तैय यथा बुद्धिस्तदाश्रया ईश भगवान तो दिव्य हैं प्रकृति के परे हैं ना युज्यते सदात्मा स्थ वो हमेशा ही इज ऑलवेज सिचुएटेड इन यू नो हिज इटरनल नेचर यथा बुद्धिस्तदाश्रया इसलिए जो भगवान की यथा बुद्धिस्ट मतलब जो भक्त होते हैं बुद्धिमान होते हैं वो लोग बुद्धिमान को यहाँ भक्त कहा गया है यथा बुद्धि तदाशय जो बुद्धिमान लोग होते हैं इसलिए वो भगवान की शरण लेते हैं और जो भगवान की शरण लेते हैं उनके पास भी भगवान जैसा गुण आता है क्या गुण आता है वो भी जैसे भगवान तद गुणे इन तीन गुणों के प्रभाव से परे हैं उसी प्रकार जो भक्त जो बुद्धिमान लोग भगवान की शरण लेते हैं वो भी तीन गुणों के प्रभाव से परे हो जाते हैं उस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया अर्थिस श्लोक में फिर थर्टी नाइन श्लोक में यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं ये जो पति पत्नी के बीच में कृष्ण और उनकी पत्नियों के बीच में जो चर्चा हो रही थी उनके रेसिप्रोकेशन की तो यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं चाव्रतमुरा अप्रमा विधू भर तो ईश्वर मत यो यथा बोलते हैं यहाँ तक कि भगवान को उनकी पत्नियों ने भी नहीं समझा पत्नियों ने जो भगवान की एक सोलह जहाँ एक सौ आठ पत्नियां थी वो सोचती थी कि मेरा पति कृष्ण हैंडपैक्ड हस्बैंड है हमारे इशारों पे नाचता है हाँ या ना सत्य भावा सत्य भावा के कहने पर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान इंद्रलोक से क्या लेकर आए पारिजाता का वृक्ष ले आए तो हैंडपैट हस्बैंड हुए नहीं हुए तो उस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं सूत्र गोस्वामी यहाँ तक कि भगवान की पत्नियाँ भी भगवान के जो दिव्यता है पूर्ण रूप से नहीं जानते बट भगवान की पत्नियों और जो साधारण लोग हैं उनमें बहुत अंतर हैं क्योंकि जो भगवान की पत्नी हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ये भगवान की योग माया से ढके गए हैं योग माया मतलब इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड इंटरनल एनर्जी उस इंटरनल एनर्जी से उनकी बुद्धि को डका गया है क्यों अगर सोचिए अगर कोई जाने कि ये भगवान है तो फिर वो माधुर्य रस वात्सल्य भाव साख्य रस कैसे हो सकता है कोई जाने अगर हनुमान जी को बोला जाए कि ये कृष्ण तुम्हारे दोस्त हैं मानेंगे भगवान हनुमान जी राम तुम्हारे दोस्त हैं मानेंगे जिसने गलती से उनको बोल दिया तो एक जोर के झापा मारेंगे <laughs> भैया मेरे ईश्वर है वो उनकी सेवा मेरी जगह उनके चरणों में है तो वो हमेशा दास्य भाव में स्थित हैं तो अगर भगवान को साख्य रस माधुर्य रस और वात्सल्य रस को स्वाद करना है तो कैसे करेंगे जब तक व्यक्ति भगवान की दिव्यता को ना भूले तो तब तक व्यक्ति भगवान के संग किस प्रकार से माँ यशोदा जैसे हम कल पढ़ रहे थे जब सुखा नाम का जो तोता भगवान के पास आता है जो शिराधिका का तोता था तो ललिता और चित्रा भगवान ललिता और विशाखा भगवान के पास आती है कृष्ण के बाद बोलती है एक काना ये हमारा तोता तो वापिस देखो हड़काती है भगवान को अमन देष्ण ग्वाल बाल ये हमारी राधा रानी का तोता तो है तो कृष्ण बोलते हैं वेल well, तुम्हारी राधा रानी का किसका मुझे क्या मतलब पड़ा है अब तो मेरे हाथों में मेरा हो गया है तो ललिता विशाख ने बोला तुम्हारी क्या गुंडागर्दी है पता नहीं इस वृंदावन की रानी कौन है राधा रानी तुम कौन हो उसके सेवक वो राधा रानी अगर रानी है तुम सेवक हो तो तुम्हारा हक बनता है तो कृष्ण बोले ठीक है मैं तोता देने को तैयार हूं अगर तोता तुम्हारा है तो बुलाओ तोते को आवाज देकर बुलाओ अगर आवाज देकर बुलाते हो तोता उड़ के पास तुम्हारे पास चला जाता है तो मुझे परेशानी नहीं है ललिता विशाखा ने बहुत प्रयत्न प्रयत्न करा करा बहुत करा। तोता उड़े ही ना फ्रस्ट्रेट होकर ललिता विशाखा फिर भगवान को डांटती है कृष्ण को बोलती है कृष्ण तू है ही ऐसा हर जगह चोरी करता रहता है और वरना कोई चीज तेरे पास चली जाए तो वापस कभी छोड़ता नहीं है देख बेचारा हमारा तोता भी तेरे पास क्या गया कि हमारे पास आने को तैयार नहीं है तो फिर ललिता विशाखा भागी भागी यशोदा मैया के पास जाती है और यशोदा मैया से कंप्लेन करती है यशोदा मैया आती है कृष्ण के पास कृष्ण को डांटती है तेरा कुछ काम नहीं है बंदरों के संग खेलता रहता है पक्षियों के संग खेलता रहता है कभी माँ बाप के संग भी समय बिताया कर कितनों की बचपन में ऐसी डांट पड़ी है जो क्रिकेट खेलने जाते थे क्रिकेट खेलता रहता है हमारे पास कभी समय नहीं बिताता है ऐसा नो उस प्रकार यशोदा मैया ने भगवान को डांटा कभी पॉसिबल है अगर यशोदा यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज नारायण के रूप में देखती तो कभी यशोदा ऐसी कहती जाकर पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए यहाँ बताया गया फिर बोलती है माँ यशोदा कहती है मैं स्टोरी पूरी कर देता हूँ ये माँ यशोदा ने बोला बड़ा ही नटखट हो गया तू कन्हैया कभी गाय कभी बंदर कभी पक्षी हमेशा खेलता रहता है बहुत गंदा हो गया मिट्टी में जाकर स्नान करके तुम्हारे पिता तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि तुम जब तक नहीं जाओगे तो वो भी प्रसाद हम नहीं करेंगे जाओ ना कराओ और माँ यशोदा कृष्ण के हाथों से तोते को छीन लेती हैं किसने छीना किसके हाथ से कृष्ण के हाथ से कभी पॉसिबल है भगवान के हाथ से छीना माँ यशोदा कृष्ण के हाथ से तोता लेती हैं और फिर ललिता विशाखों को देती हैं और बेचारे कृष्ण निराश होकर सिर नीचा करके चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं इज इट एवर पॉसिबल ये क्यों हो रहा है क्योंकि भगवान को इस प्रकार का एक रस एक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना है उसी प्रकार यहां पे जो पत्नियां हैं वो भी भगवान के सारे दिव्यता को नहीं जानती क्यों क्योंकि उनको बुलाया गया है भगवान की इच्छा के अनुसार पर ये सब भगवान की शुद्ध भक्त हैं इन अदर वर्ड्स प्रोपा उपात में आखिरी कुछ लाइन में लिखते हैं इवन द पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड डू नॉट नो हिम परफेक्टली सो वॉट टू स्पीक ऑफ दिस राइटर्स एंड मेंटल स्पेकुलेटर्स हाउ कैन दे एवर नो द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड आखिरी चार लाइने द लॉर्ड कैन बी नोन बाय द मसी ऑफ द लॉर्ड ऑनली एंड बाई नो अदर मीन्स बट सिंस द डीलिंग्स ऑफ द लॉर्ड विद आर बेस्ड ऑन प्योर ट्रांसेंडेंटल लव एंड डिवोशन द डिशन आर ऑल ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेन विदाउट मेटेरियल कंटामिनेशन इस प्रकार यहाँ पे ग्यारहवा अध्याय समाप्त होता है भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाते हैं तो यहाँ पे सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं प्रभु क्या चल रहा है हमने आपसे कुछ और प्रश्न पूछा था प्रश्न क्या पूछे थे तीन प्रश्न पूछे थे व्यास देव जी को किसने इंस्पिरेशन दी भागवतम लिखने के लिए किसी को याद है बाकी दो प्रश्न क्या पूछे थे ऋषि ने यस परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने सब कुछ क्यों त्याग और तीसरा प्रश्न क्या था सुखदेव गोस्वामी कौन है और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कैसे मिले तो ये जो दूसरा प्रश्न था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और परिषद महाराज ने कैसे राज्य किया और परिषद महाराज ने कैसे सब कुछ त्यागा उसी परिषद महाराज की कहानी सुनाने के लिए सूत गोस्वामी ने युद्ध के अंत से शुरुआत करी पर युद्ध के अंत से शुरुआत करके वो ऐसे बह गए भगवान की लीला में कि हस्तनापुर से भगवान कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं उसका वर्णन कर दिया विस्तार से भगवान श्री कृष्ण को द्वारका पहुंचा दिया और यहाँ वो भूल चुके हैं कि परीक्षित की भी कहानी का वर्णन करना है क्योंकि परीक्षित का तो ऑलरेडी जन्म हो चुका है बहुत पहले जन्म हो चुका है और वो सारी स्टोरी सुनाई सुत गोस्वामी ने थी परिषित महाराज के जन्म तक आने के लिए पर सुतो गोस्वामी भगवान की लीला का वर्णन करते करते सब भूल गए कोई इस समय इतने ध्यान मग्न है भगवान की लीला का वर्णन करते हुए तो अब बारहवें अध्याय जो शुरू होता है वो सौनक आदि ऋषि के वचनों से शुरू होता है जहाँ सोनक आदि ऋषि कहते हैं हे प्रभु धन्यवाद बहुत आनंदमय प्रवचन किया पर मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था प्रश्न कुछ और था कृपा करके उसका उत्तर दीजिए और फिर यहां दोबारा वो सूत्र गोस्वामी को याद दिलाते हैं कि हमें परीक्षित महाराज के बारे में भी बताइए उनका संरक्षण जैसे किया आपने बताया तो क्या हुआ क्योंकि दो श्लोक में बताया कि भगवान ने संरक्षण करा और भगवान संरक्षण करके बाहर निकला फिर कुंती महारानी की प्रेयर शुरू हो गई तो यहां पूछते हैं भैया ये तो बताओ भगवान ने संरक्षण कैसे किया क्या हुआ गर्भ में क्या घटा क्या सनसनी खोज खबर थी तो कृपा करके बताइए तो उसका उल्लेख बारहवें अध्याय में आएगा कल उसका उल्लेख करेंगे आई वॉज थिंकिंग आई विल कवर हाफ ऑफ द चैप्टर बट हम थोड़ा डिटेल में चले गए पिछले सत्र में तो इसी के संग आज के इस सत्र को ही समाप्त करते हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की